विंडोज 7, विंडोज 10 एंड विंडोज 11 गाइज ये माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पॉपुलर विंडोज में से एक है। एंड गाइज इनमें जो आपको फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन एंड विंडोज की काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इन तीनों विंडो को कंपेयर करने वाले हैं। एंड गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके सिस्टम के लिए कौन सी विंडोज आपके हार्डवेयर के अकॉर्डिंग बेस्ट रहने वाली है। एंड गाइज अगर आपने नया सिस्टम लिया या आपका पुराना सिस्टम है एंड अगर आप उसको अपडेट करने चाह रहे हैं तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज आपको वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना। एंड गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइज हमारे 2K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर पे विंडोज है वो विंडोज 7। गाइज माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 2009 में लॉन्च किया था एंड 2020 में इसको डिसक्वालीफाई कर दिया। बट गाइज उस बीच में इसकी 450 मिलियन जो है कॉपी सोल्ड की गई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो गाइज इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विंडोज 7 जो है कितनी पॉपुलर रही है। सो गाइज अब मेन क्वेश्चन आता है कि आज की डेट में क्या इसको हमें अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो गाइज जो आंसर है कि नहीं करना चाहिए। बट गाइज अगर आपका जो सिस्टम है वो 2013 या 12 से पुराना है तो उन पीसेज में आज भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इसमें कोई अनदर एंटीवायरस डाउनलोड करके इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गाइज इसमें जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे एंड जो आपके लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। सो गाइज उन पुराने पीसेज में इसको यूज़ किया जा सकता है अभी भी। एंड बट गाइज इसमें एक इशू है कि जितने भी हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइज उसका एक मैं आपको अल्टरनेट बताता हूँ कि अगर आप विंडोज 7 उन पीसेज में यूज़ नहीं करना चाहते तो उन पीसेज के लिए एक बेस्ट विंडोज़ है वो है विंडोज 11 लाइट। जी हाँ गाइज एक डेवलपर ने विंडोज 11 लाइट को भी लॉन्च की है। इसकी गाइज स्पेसिफिकेशन एंड जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको लेटेस्ट ड्राइवर्स अपडेट्स सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड गाइज जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना वो आप सुन के शॉक हो जाओगे। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 256 MB रैम की रिक्वायरमेंट है। मतलब 256 MB तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आपका लो एंड पीसी है तो उसमें आप इसको यूज़ करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड जो इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो है 4 GB की। तो इसकी अब मतलब जितनी भी इसकी फाइल्स हैं विंडोज़ की, विंडोज 11 लाइट की, वो 4 GB की ओनली हैं। तो आप इसको यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिएगा उन पीसीज में। सो गाइज जो हमारी नेक्स्ट विंडोज़ आती है वो है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 भी गाइज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है माइक्रोसॉफ्ट की। एंड गाइज इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में लॉन्च किया था एंड तब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है। एंड जितने भी हमारे जो हाई एंड पीसीज हैं, लो एंड पीसीज हैं, उनमें विंडोज़ जो 10 है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देती है। एंड गाइज अब बात करते हैं कि आपको अपने सिस्टम में विंडोज़ 10 जो है क्यों डाउनलोड करनी चाहिए, इंस्टॉल करनी चाहिए। तो गाइज तो मेन रीज़न है इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है। एंड जो इसके जितने भी ड्राइवर सपोर्ट है, जितने भी लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। तो गाइज अगर आपका जो सिस्टम है वो 2014 का है या 14 के बाद का है तो उनमें आप विंडोज़ 10 को अभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाइज इसको माइक्रोसॉफ्ट 2025 तक जो है एक्सपायर करेगा। तो अभी काफ़ी ईयर बचे हैं तो आप विंडोज़ 10 उन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट विंडोज़ है वो है विंडोज़ 11। सो गाइज विंडोज़ 11 अगर आपका जो सिस्टम है वो 2016 के बाद का या 2016 का है तो उन लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप विंडोज़ 11 को चला सकते हैं। पीछे अगर आपका सिस्टम अनसपोर्टेड भी है तो काफ़ी ज़्यादा आप ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है कि आप उन पीसीज में भी अनसपोर्टेड में विंडोज़ 11 को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस विंडोज़ 11 फीचर वाइज एंड जो इसमें नया आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलता है, ड्राइवर सपोर्ट देखने को मिलता है, उनके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी विंडोज़ आपके सिस्टम के लिए रह सकती है। तो आप विंडोज़ 11 को भी ज़रूर एक बार ये ट्राई करके देखना। एंड इसमें जो आपको परफॉर्मेंस है वो एज सिमिलर टू विंडोज़ 10 की तरह ही आपको देखने को मिलेगी। बट गाइज इसमें जो आपको विजिट्स एंड अनदर इसकी लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। तो आप विंडोज़ 11 पे भी जा सकते हैं। एंड अगर आपका सिस्टम जो है वो सपोर्टेड है, यानी अगर आपका सिस्टम अभी लेटेस्ट आपने बाय किया तो उसमें, तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप विंडोज़ 11 यूज़ करें। तो गाइज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी विंडोज़ बेस्ट रहने वाली है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो में मज़ा आएगा। मज़ा आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।